एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 7 बज रहे हैं। तो अभी शाम को 7 बज रहे हैं और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने ये ड्रेस पहन ली है, बहुत दिनों बाद पहनी है। और मुझे खुशी ये हो रही ना कि मुझे थोड़ा सा ये लूज हो रहा है, मतलब मेरा वेट लॉस हुआ है थोड़ा सा। तो वेट लॉस के नाम पे ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और गले में ना हल्की सी मेरी आवाज़ आपको अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि मुझे कोल्ड कई दिनों से हो रखा है। कोल्ड से ज़्यादा ना कफ हो रखा है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पर देखो, अक्षत और आद्या भी रेडी हैं। आद्या, ये देखो, आद्या ने अपनी ये फ्रॉक पहनी है मामा की शादी के बाद से, और ये बार बार ना इसको ऊपर कर लेती है, जबकि मैं उसको बताती हूँ कि ये ऐसे नहीं, ऐसे है। तो अभी ओजस भी तैयार है और नेहा भी रेडी है, किचन के कुछ कामों को निपटा रही है। बस हम लोग दोनों लोग जा रहे हैं अभी पार्टी में। ये देखो, तैयार है ब्लैक साड़ी के साथ, ब्लैक साड़ी आज पहनी हुई है नेहा ने। तो चलो हम लोग निकलते हैं फिर घर से, और यही पास ही में हमको जाना है, क्योंकि मोहल्ले में ही है फंक्शन, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो बस यहीं जाना है। और नया मेन डोर की, अच्छा ये है, ये लॉक के साथ लगा हुआ है, लाइट ऑफ कर देते हैं और फिर निकलते हैं। और तीनों बच्चों को साथ में लेके जाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके सब शैतान हैं, एक से बढ़कर एक हैं। तो अभी इन लोगों को भी मैनेज करना है हम लोगों को। और मैंने ज़्यादा कुछ हेयर स्टाइल नहीं की, सिंपल आज बाल स्ट्रेट किया है, और काफ़ी दिनों बाद हेयर भी मैंने स्ट्रेट करे हैं अपने। तो भाभी के यहाँ, और आज है भाभी के बेटे का बर्थडे, तो तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत सारा खाना भाभी ने बना लिया है, तो अभी मैं आ गई हूँ। तो सैलेड कट करना बाकी था, तो मैं भाभी से बोल रही हूँ आप रेडी हो जाइए और मैं सैलेड कट कर लेती हूँ। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर भाभी ने जीरा राइस बनाया हुआ है, आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाई हुई है, और छोले कितने बढ़िया से बनाए हुए, एकदम थिक थिक वाले, और दही यहाँ पर रखा हुआ है। रायता रेडी करना है, तो वो अभी मैं ही रेडी कर दूँगी। और इधर हमने सैलेड भी कट करके रख ली है, तो काफ़ी कुछ तैयारियाँ हो गई हैं और भाभी खुद भी रेडी हो रही हैं। और जिस दिन घर में फंक्शन होता है, उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो एक दूसरे की हेल्प करने से काम थोड़ा कम हो जाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ और यहाँ पर खीर भी बन करके रेडी हो चुकी है, तो भाभी की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। अभी हम लोग भाभी के यहाँ आ गए हैं, और देख सकते हो भाभी अपने कामों में लगी हुई है, क्योंकि जिसके घर में फंक्शन रहता है ना, उसमें बहुत सारे काम रहते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं बर्थडे बॉय, ये देखो। तो आप सभी इनको बर्थडे विश कर दीजिए, है ना। हेलो हेलो, हाय, ठीक है।
किचन के कुछ काम जो बचे हुए हैं वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बूंदी का रायता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बूंदी को मैंने पहले पानी में बॉयल कर लिया था गर्म पानी में, और उसके बाद छान करके रख दिया, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ आटे का डो रेडी कर रही हूँ मैं, तो ये देख सकते हो बूंदी का रायता रेडी हो चुका है। बूंदी अब ठंडी हो चुकी थी, मैंने मिला भी दिया इसमें, और आटे का डो भी बन करके तैयार हो चुका है। तो अब पूड़ियाँ ही बनानी है। तो अभी हम आ गए हैं बाहर, और यहाँ पर ओजस को अगेन भाभी के यहाँ जितने भी कढ़ाई चमचे हैं कुकर हैं वो सारे चाहिए, तो बस नेहा उसको समझाने में लगी हुई है। और हम लोग यहाँ पर बाहर खड़े होकर के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही है, और आज मौसम उतना ठंडा नहीं है, और ठंड अभी इस साइड कम पड़ रही है, गाँव में तो अच्छी खासी ठंड। तो अभी हम लोग बालकनी में ही खड़े हुए हैं, बाहर पूरा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, और यहाँ पर भाभी है, नेहा बैठी हुई है ओजस को समझाने में, क्योंकि अगेन कढ़ाई में उलझ गया है, और इधर भाभी भी आ गई है। तो कुछ लोग आए हैं कुछ लोग नहीं आए हैं, तो हम लोग अभी जो पहले आता है ना उसको वेट करना पड़ता है, इसीलिए कुछ लोग फंडा अपनाए रहते। सब आ गए, सब लोग यही वेट करते रहे, कोई आएगा। हाँ वही है, और अभी आ गया है बर्थडे केक। तो ये देख सकते हो ये केक है पाइनएप्पल फ्लेवर में, और कुछ इस तरीके से सिंपल सा डेकोरेशन हुआ है केक के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस केक कटने की तैयारी हो चुकी है, यहाँ पर बर्थडे बॉय भी आ चुका है। तो पहले टीका होगा, फिर आरती करी जाएगी, और फिर लास्ट में केक कट किया जाएगा। तो भाभी अभी अपने बेटे को टीका करेंगी, और हम सभी लोग खड़े हो गए। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बर्थडे के नाम पर, तो सारे सबसे पहले सबको स्टार्टर दे देते हैं। तो स्टार्टर में पहले केक हम सबको खिलाएंगे। तो अभी यहाँ पर केक कट हो चुका है, इस तरीके से प्लेट्स में केक को लगाएंगे। तो जितने सारे लोग हैं सबके लिए अलग अलग प्लेट में नाश्ता लगेगा। तो भाभी अभी सबके लिए नाश्ता लगा रही हैं, और मैं साइड से चिप्स है और जो भी चीज़ें हैं साथ में स्टार्टिंग में जो देनी है वो सारी मैं भी हेल्प करती जा रही हूँ। यहाँ पर मिठाई भी है, तो एक पीस छेने वाली मिठाई है, साथ में केक है। तो इस तरीके से होता जा रहा है काम, और आद्या अक्षत ओजस सब खूब खुश है, यहाँ पे खूब मस्ती करने में लगे हुए हैं। तो अभी प्लेट्स रेडी हो चुकी है, चलो सभी को दे देते हैं, फिर बैठ करके हम लोग साथ में इंजॉय करते हैं। केक है, चिप्स है, मिठाई है, यही सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं। और अभी देखो आद्या अपने हाथ से खाने खाते हुए अरे यही बात बढ़िया है इसको तुम छोड़ते नहीं है।
अभी देख सकते हो हम लोग पूड़ी बनाने में लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर पूड़ी छानती जा रही हूँ। अभी हम सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, देख सकते हो तीनों चारों भाभियाँ हैं हमारी कॉलोनी की, जितनी भी लेडीज़ हैं तो लेडीज़ ग्रुप खाना खाने में लगा हुआ है। और हम सब खाना खाने के बाद अपनी अपनी प्लेट्स रख रहे हैं खुद से ये, और सब लोग खाना पीना खाने के बाद अपने घर के लिए निकलेंगे। टाइम हो रहा होगा अभी 9:30 का, और काफ़ी ज़्यादा समय मतलब अच्छे खासे ठीक टाइम से सारा प्रोग्राम फंक्शन हो गया है, तो अभी घर जा रहे हैं। आद्या, मैं, नेहा, ओजस, हम सभी लोग घर जाएंगे। तो चलो फिर अपने घर पहुँच आते हैं, फिर आराम से बैठकर आप लोगों से बातें करती हूं मैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पार्टी से आ गए हैं घर, और ये देखो मेरा ओजस कितनी मस्ती कर रहा है, कह रहा बुआ छोले तो थे पर भटूरे नहीं थे, है ना, ये मस्ती करने में लगा हुआ है। और आ गए हम लोग भाभी के यहाँ से, मेकअप मैंने अभी नहीं रिमूव किया है और इतना आलस लग रहा है सच में कि अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और नेहा अपनी मेकअप, अपनी ज्वेलरी उतारने में लगी हुई, बैंगल्स जो पहन रखी थी वो उतारने में लगी हुई है। कमेंट किया था कि आपने तुलसी पूजन किया है तो आपको डस्टबिन की बाल्टी के पास ही पूजा करना था, और आपको जहाँ पे आप कर रहे हो वो आई थिंक बाथरूम है, तो आपको इतने बड़े घर में पूजा करने के लिए कहीं जगह नहीं मिली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर वो डस्टबिन वाली बाल्टी धुल करके रखी गई थी, उसमें कचरा वहाँ नहीं रखा जाता है, वो उस टाइम पर वो बाल्टी वहाँ पर धुल करके रखी गई हुई थी, इसलिए वीडियो में उस टाइम आपको आ गई है। और जो आपने उधर साइड टॉयलेट देखा वो टॉयलेट है एक्चुअली, लेकिन वहाँ पर अभी टॉयलेट बना नहीं हुआ है, केवल वहाँ पे नल लगा दिया गया है ताकि आप वहाँ पर यूज़ कर सको, पानी वगैरह ले सको, वहाँ पे हाथ पैर धुल सको, और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बाथरूम की तरह उसको यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे भी आइडिया है, हम लोग हिंदू हैं और प्लस ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों में बहुत सारी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं, तो इतना मुझे भी पता है कि कहाँ पूजा करनी है कहाँ नहीं पूजा करनी है। तो आपने ऐसा बोला वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, तो ऐसा मत बोलो, मुझे भी बहुत चीज़ों का सलीका है। और वहाँ पर टॉयलेट नहीं है, सबसे पहले ये बता दूँ आपको मैं। तो चलो फिर, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें भी इतना पता है कि पूजा पाठ कहाँ करनी है कैसे करनी है, क्योंकि हम भी ब्राह्मण हैं और भगवान के प्रति हमारी बहुत ही आस्था है, तो खुद के लिए कैसी भी व्यवस्था रहे लेकिन अगर ईश्वर का पूजा पाठ है तो हम पूरे मन से करते हैं। तो चलो फिर, अभी बच्चों को मेरी नींद आ रही है, वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।